गाइस, आज फाइनली मेरे जो है 1,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा अपने चैनल पे जाके देखता हूँ कि अब इसके आगे के प्रोसेस क्या होती है, जो हमारा मोनेटाइजेशन का जो टर्म एंड कंडीशन है वो सारे इनेबल हुए कि नहीं। आइए चलिए देखते हैं इसके आगे क्या प्रोसेस होगी और क्या करना होगा, ये देख लेते हैं। तो आइए, ये है मेरा चैनल का लोगो और यहाँ पे मैं क्लिक करके अपने चैनल में जाता हूँ, योर चैनल पे, और आज ही के डेट पे कंप्लीट हुए थे ये, तो ये खुल जाए। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं डैशबोर्ड कंटेंट और प्लेलिस्ट के नीचे हमें एक ऑप्शन मिल जाता है मोनेटाइजेशन का, तो आप देख सकते हैं, जिसे मैं क्लिक कर लेता हूँ और देख सकते हैं गाइस, ये सारे जो है ऑप्शन इनेबल हो चुके हैं, राइट हो गए हैं। 4,000 वॉच टाइम भी कम्प्लीट हो गए हैं और 2 स्टेप वेरिफिकेशन भी, और यहाँ पे ये जो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक्स है वो भी 0 है, तो ये होनी चाहिए। इसमें से कोई सा भी एक ऐसा चीज़ होती है यदि जो क्रॉस होगी तो आपके मोनेटाइजेशन होने के चांस 0 हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो ये कंडीशन है कि ये चारों राइट के ऑप्शन और ग्रीन कलर के पूरे ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे तभी एक ऑप्शन मिलता है अप्लाई नाउ, तो इसे मैं क्लिक करके देख लेता हूँ आगे क्या होता है। तो यहाँ पे मैं इसे अप्लाई कर देता हूँ और आप गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हमें स्टेप 1 में कुछ स्टेप दिए हुए हैं, और साइन अप पे गूगल एडिक्शन, तीसरा है गेट रिव्यूड। तो फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके आप देख लेते हैं क्या है इसमें। यहाँ पे आपके YouTube टर्म प्रोग्राम्स टीम में आपको सिंपली आपको सारी चीज़ें को यहाँ पे रीड आउट करना है, और रीड आउट करने के बाद आपको लास्ट में ये सीधे ऑप्शंस मिल जाती हैं 4 पे, तो राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सेप्ट आई हेयर पर क्लिक कर। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके सेकेंड ऑप्शन पे कुछ इस प्रकार का पॉपअप नजर आएगा जिसमें लिखा होगा यू विल बी रीडायरेक्टेड टू एडसेंस टू कंप्लीटेड दिस स्टेप्स। तो सिंपली आपसे ये पूछ रहा है कि आपके पास एडसेंस अकाउंट अवेलेबल है, तो यहाँ पे आप क्लिक करें, या भी नहीं है तो यहाँ पे करें, और इसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं है तो यहाँ पे क्लिक करें। तो ये चीज़ें हैं सिंपली, जैसे कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है एडसेंस अकाउंट तो मैं सिंपली अभी बना ही लेता हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे एक कंफर्म का ऑप्शन मिल जाएगा कुछ इस प्रकार के पॉपअप में, ऑन दिस नेक्स्ट स्क्रीन चूज ए गूगल एडसेंस दैट यू वॉन्ट टू क्रिएट ए एडसेंस अकाउंट विथ। तो यहाँ पे अपने एडसेंस अकाउंट यहाँ पे क्रिएट करना होगा, तो सिंपली मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ। क्लिक करते ही आपको कुछ जीमेल का ऑप्शन शो होगा, इसमें ये जरूरी नहीं है जिसमें से आपका जो यूट्यूब अकाउंट बना हुआ हो तो उसी से आप एडसेंस अकाउंट भी बना है, ऐसा कोई भी कंपलसरी नहीं है। आप अगर दूसरे से भी अनदर जीमेल से करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे कि मैं सिंपली दूसरे जीमेल से ही करूँगा। और जैसे कि आप कभी कभी हमारा जो YouTube चैनल होता है वो कभी हैक होने के भी चांसेस होते हैं, तो हमारा जो एडसेंस अकाउंट है वो कभी हैक नहीं होना चाहिए, तो सेम चीज़ ना रखें तो ज़्यादा बेटर है। जैसे कि मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं दूसरा ही जीमेल अकाउंट से एडसेंस अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मैं वो जीमेल अकाउंट यहाँ पे चूज कर लेता हूँ जिसमें से एडसेंस कर लें, तो उस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। उस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे गूगल एडसेंस अकाउंट पे आ गए हैं, और जिसमें साइन अप का ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कि जैसे कि यहाँ पे मेरा चैनल का नाम शो हो रहा है, और अगर आप यहाँ पे यदि दूसरा अकाउंट यहाँ पे डालना चाहते हैं यूज ए डिफरेंट अकाउंट, तो यहाँ पे आप अपने इस ऑप्शन पे क्लिक करके अनदर जो अपना जीमेल अकाउंट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो सिंपली मैं तो वही करूँगा, और ये सारी डिटेल्स जो है मैंने कुछ अभी अपने की है जब मैंने अपना जीमेल क्रिएट किया था बहुत पहले, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपलोड हुई है, तो वही चीज़ यहाँ पे शो हो रही है जो कि मेरा नाम एड्रेस और मेरी सारी चीज़ें हैं। इसके बाद यहाँ पे मेरा जो यूट्यूब का जो URL है वो यहाँ पे शो हो रहा है, तो वही URL यहाँ पे भी शो हो रहा है। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ परमिशन बोल रहा है कि लिंक योर होस्ट अकाउंट दिस एडसेंस अकाउंट टू इजी स्टेप्स क्लिक द एक्सेप्ट एसोसिएशंस। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे जो एक्सेप्ट एसोसिएशन पे क्लिक कर लेता हूँ सिंपली। एडसेंस फॉर यूट्यूब, तो मेरा जो एडसेंस अकाउंट है वो यूट्यूब पे लिंक हो गया, तो यही चीज पॉपअप के दौरान नजर आ रहा है, तो इसे मैं रीडायरेक्ट कर लेता हूँ। अभी हमें ये वही फीचर पे ले जाएगा जहां पे हमारा यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो। अब देख सकते हैं जो मेरा सेकेंड स्टेप है वो प्रोसेस पे है, उसी तरह आपका जो फर्स्ट स्टेप है जैसे डन हो चुका है, उसी तरह सेकेंड स्टेप भी आपका यहाँ पे डन हो जाएगा, और फिर आपको थर्ड स्टेप में आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप ही प्रोसेस होने लग जाती है। तो इसका हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं।
गाइस जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरा जो सेकंड ऑप्शन है वो गूगल एडसेंस अकाउंट का, तो वो भी सक्सेसफुली हो चुका है। जैसे कि स्क्रीन पे देख सकते हैं, यू हैव सक्सेसफुली लिंक है एडसेंस अकाउंट। और थर्ड ऑप्शन में आपको कुछ भी नहीं करना होता है, वो अपने आप ही यूट्यूब के पास चला जाता है रिव्यू के लिए कि आपका चैनल मोनेटाइजेशन होगा कि नहीं। फाइनली मुझे यूट्यूब के द्वारा 3 दिन बाद एक रिप्लाई आता है, जिसमें यूट्यूब ने मुझे मेल करके यहाँ पे इसे सारी जानकारी देता है। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन में, मुझे 12 फरवरी को ये मुझे यहाँ पे मेल आया था, और इसमें लिखा हुआ है कॉन्ग्रेचुलेशन, यू वी वीन अप्रूव्ड टू ज्वाइन द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम्स। और इसमें नीचे भी आपको यहाँ पे वही चीज़ लिखी रहती है, कॉन्ग्रेचुलेशन योर यूट्यूब चैनल, और मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ हैज़ बीन एक्सेप्टेड इन टू द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम्स एंड इज़ ए नाउ अवेलेबल टू मोनेटाइजेशन ऑन यूट्यूब। तो यूट्यूब आपकी जो चैनल को रिव्यू करती है, और रिव्यू करने के बाद अगर चैनल का आपके सारे कंटेंट पूरे जो यूट्यूब के टर्म एंड कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो यूट्यूब टीम आपके मोनेटाइजेशन को इनेबल कर देती है। अब हम अपने चैनल के कस्टम चैनल में जाके मोनेटाइजेशन ट्रैक पे जाकर अब देख ले चेक कर लेते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार का इंटरफेस शो होता है। अब यहाँ पे मैं मोनेटाइजेशन वाले पार्ट पे चला जाता हूँ, और उस पर देखते हैं कि किस प्रकार का फीचर नज़र आता है। तो गाइस देख सकते हैं, पहले के फीचर और अब के फीचर में बहुत काफ़ी चेंजेस हैं, क्योंकि आपका मोनेटाइजेशन जो है इनेबल हो चुका है। इसके बाद थोड़ा सा मैं इसे स्क्रॉल डाउन करता हूँ, तो यहाँ पे मोनेटाइजेशन ऑप्शंस मिल जाते हैं, जो वीडियो एडवर्टाइजमेंट हो जाती है। इसमें आपको वन बाई वन करके आपके जो सारे वीडियो हैं उसमें आपके मोनेटाइजेशन को ऑन कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे एक सेकेंड ऑप्शन में सुपर चैट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप यदि कभी भी लाइव स्ट्रीम करते हैं तो आप सुपर चैट के द्वारा भी अर्निंग कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आप एक इम्पॉर्टेंट नोटिस भी आती है, जिसमें आप देख सकते हैं राइट साइड यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम का ऑप्शंस होता है, जिसमें आपका एडसेंस अकाउंट लिंक होता है और जिसकी आईडी शो होती है, और नीचे आपका डेट यहाँ पे शो होता है जिस दिन आपका मोनेटाइजेशन ऑन हुआ था। बस यही एग्रीमेंट के तौर पर आपकी सारी चीज़ें रहती हैं। बस इसी तरह मेरा भी 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम आपके प्यार और सपोर्ट के कारण ही कम्प्लीट हो पाया, जिसके कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।